फजीलत सामान ले आया हूँ भाई, मैं देख लो पूरा है फिर मैं चला जाऊंगा, तो इच्छा पड़ के जाऊंगा मैं। हामिद भाई फजीलत तो यहाँ नहीं है, कहीं गई हुई है, शायद घर पे गई है। फजीलत घर गई है, क्या लेने गई है, क्यों गई है तुम्हें और आपको अकेला छोड़ के? उसने अपना गुलाम बना कर रखा है और उसके हवाल भी बिल्कुल काबू कर लिया उसने। क्या कह रही हो? अपने के पापा वो मुकर रही है, उसने 40 दिन का वादा किया था कि वो परी को वापस कर देगी, लेकिन अब नहीं कर रही, उसने उसको गुलाम बना के रखा है। मैं क्या करूं अपनी बच्ची का? अच्छा अब तुम बैठो। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि वो जादूगर नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। फजीलत मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? फजीलत तुमने अपनी सादगी और बेवकूफी की वजह से जो कांटे परी की राह में बिछाए ना, अब उनको चुनना भी तुम्हें ही पड़ेगा। करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी खुदा के वास्ते, बस मेरी बेटी एक बार उस जादूगरनी के चंगुल से निकल आए। तुम जानती हो ना कि उसके अमल का तोड़ किए बगैर हम परी को कभी भी उसके चुंगल से नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता किसका तोड़ कैसे होगा। मैं जानती हूँ, बल्कि मैंने तो इसका तोड़ शुरू भी कर दिया था, लेकिन फिर मेरा वजीफा अधूरा रह गया। अगर नूर मुझे धोखा नहीं देती तो शायद। अब छोड़ो बहन जी, जो होना था हो गया, भूल जाए उसे। अब तो ये सोचे कि आगे ऐसा क्या करें जो वो औरत रास्ते में ना आए। जी परी के बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। मुझे अगर बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मौत से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। यही समझ लो फजीलत बहन कि तुम्हें मौत से लड़ना है अगर अपनी बच्ची की जान प्यारी है तो। नहीं बहन जी, फजीलत क्यों करेगी सब कुछ, इसने तो पहले ही सब बर्बाद कर दिया है। मुझे बताएं, मैं करूंगा वजीफा। हामिद भाई आपके जज्बात अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बीबी जान ने जो अमलियात फजीलत से करवाए हैं अब उनका तोड़ भी यही करेगी, क्योंकि इसी ने ही उस औरत के कहने पर तावीज कब्रों में दबाए थे और यही उन्हें निकाल सकती है। और अगला काम उसके बाद ही शुरू होगा। हाँ मैं लाऊंगी, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके एक एक कदम भी खोदनी पड़ी तो मैं खोदूंगी। ये काम तो करना पड़ेगा फजीलत, अब गौर से सुनो, अगर कोई भी गलती हुई ना तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं कोई गलती नहीं होगी, बस जैसे आप कहेंगे मुझे मैं वैसे ही करूंगी। आप मुझे बताएं हुक्म करें क्या करना है।